हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आज सभी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह सुबह के 11-12 बज चुके हैं और खाना पीना खा के आ चुके हैं कुआ पर। सब लोग नहा के पीछे संध्या भी देख सकते हैं आ रही है। तो पहले तो सुबह सुबह की सबसे पहले हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं आज हमारे हाथ में क्या है, सब्बल और एक लट्ठ। तो चल रहे हैं, आज जा रहे हैं हम लोग तारवारी करने के लिए। तो देखिए ये पड़ा तार, ये पड़ा यहाँ से तार, इसको लगाएंगे तार को। और संध्या देगी खेत में पानी, तो पहले मोटर चालू कर देंगे उसके बाद पानी देगी। तो चलते हैं, पहले फटाफट काम करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आज सभी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देख सकते हैं अभी संध्या भी आ गई कुआ पर हम आ गए। तो पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग सुबह सुबह का, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। और देख सकते हैं आज संध्या करेगी काम। देख सकते हैं इधर खेत में मूंग बह रखे हैं। तो ये देख सकते हैं मोटर चल रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा सुंदर पेड़ है। और इधर संध्या पेड़ के पास में खड़ी हुई है। और आज क्या करने आए हो? पानी भराने। तो देख सकते हैं आज पानी भराने के लिए आए हैं और हम लोग बांधेंगे तार। पहले तार बांध लेते हैं और संध्या भराएगी पानी। तो गाइस देख सकते हैं इधर पानी हो गया चालू, देख सकते हैं पानी आ रहा मोटर का। और उधर संध्या आ गई है खेत में पानी भराने के लिए, वो आ रही है। और देख सकते हैं इधर पानी भरा बगरने लग गया, मोटर एकदम चालू है, पानी फटाफट भर रहा। इसमें देख सकते हैं काफ़ी लंबा के एक उड़ा, ये केरा जिसमें पानी अभी चल रहा। संध्या आ गई, देख सकते हैं आ गई संध्या पानी देने के लिए। भरा लो तो पानी भर फटाफट। चलिए पहले फटाफट पानी अब संध्या भराएगी। तो गाइस देख सकते हैं अभी संध्या पानी भरा रही है खेत में। ये देख सकते हैं इधर हे रही हो संध्या, कैसे पानी भराया जाता है देख लो दोस्तों, ऐसे पानी भराया जाता है। तो देख सकते हैं गाइस अभी संध्या भरा रही है पानी खेत में, ये देखिए। तो देख सकते हैं कैसे भरा बना रही है। चलो इसको पानी देने दो, हम लोग चलते हैं तार बांधने के लिए। अभी देख सकते हैं पहुंच चुके हैं तार के पास। तो तार देख सकते हैं कितना निभा बीघा पड़ा है, तो इसको निभा रहे हैं सब लोग। हम दौड़ लगे पड़े हैं और देख सकते हैं धूप कितनी तेज है, देख सकते हैं कितना तगड़ा धूप है इधर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर धूप है, ये देख सकते हैं। तो चलो पहले फटाफट इसको सीधा कर लेते हैं, निवार लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। तो गाइस इधर देख सकते हैं संध्या का खाना खप चुका है, खाना वाना खा लिया, खाना खा लिया रे हाँ। तो खाना खा लिया और उधर देख सकते हैं उसका खेत में पूरा थोड़ा थोड़ा पानी रह गया और लाइट चली गई। और देख सकते इधर पानी भर दिया इसने, थोड़ा सा इधर का वाला रह गया और बाकी का सारा मतलब हो गया। और इधर हम लोग बना रहे हैं, देख सकते हैं इधर तार बांध रहे हैं, मौसी मौसी आ रहे हैं, दिख रहे हैं सब लोग। और इधर पड़ा हुआ तार देख सकते हैं, ये हमारा बिस्तर पड़ा है इसके पेड़ के नीचे। तो चलो पहले तार बांध लेते हैं फटाफट। तो देख सकते हैं गाइस अभी इतना तार खिसा गया, ये करा एक दो तीन चार। और इधर खिस रहा है, देख सकते हैं इधर नाला के पास खिस रहे हैं, इस तरफ खेत है, ये जा रहा पानी जहाँ कुआ की तरफ। देख सकते हैं पाइप जो पड़ा है वो रखी उधर कुआ के पास मोटर। तो चलो इसको और फटाफट बांध लेते हैं, दो तीन तार और रह गए। तो गाइस अभी देख सकते हैं इधर थोड़ा थोड़ा तार बन गया। और देख सकते हैं कितना सारा चोट भी लग गया यार, पूरा छुल गया और शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग गया। इधर दाव का देख सकते क्या है, ये क्या है, कील है, देख सकते हैं इससे खोद रहे हैं, ये पकड़ने वाली है, इसे इस तरह से पकड़ते हैं। और अभी देख सकते हैं इधर घुसे पड़े हैं झाड़ में। और इधर देख सकते दो तार बंध गए, अब तीसरा वाला बांध रहे हैं, एक और बांध रहे हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस अभी बांध रहे हैं तीसरा तार, देख सकते हैं इधर दाव निकाल रहा है तार, निभरा रही हो मत ऐसी बांध, निभरा रहा हो मत। चलो आगे आगे तो हम आगे उठा दो तार, तक टाइट कर लीजिए आ रहे हैं। चलो तो गाइस देख सकते हैं कटीला ताल है, काफ़ी ज़्यादा पकड़ने में भी दिक्कत होता है यार, छूल जाता है हाथ टाइट करने में। टाइट तो पकड़ो तो नहीं, बीच में नहीं पकड़ पकड़ बच मारने फिर हम लोग वो भी तो उठा, देखो हमने कही थी।
चलो गाइस करते हैं टाइट। की के अंदर बॉक्सर में हो, ये दाऊ की बॉक्सर फेंक देते हैं इधर घूर रहे थे। तो देख सकते हैं गाइस हो रहा टाइट। अच्छा फंसा दियो, रखो रखो कटवाई सही नहीं लगी। हम मोबाइल से पकड़े अंदर था तू कट गाइस। देख सकते हैं कैसे टाइट कर रहे हैं, इसमें कील मारेंगे सब लोग फटाफट। चलो मारो यार जल्दी, शाम हो रही है देखते हैं। तो गाइस शाम भी हो रही है और जाना है आज मच्छी लेने के लिए यार। तो शाम भी हो चुकी है तो देखते हैं अभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे मच्छी लेने के लिए, और नहीं टाइम मिलेगा तो यहीं से पकड़ेंगे। देख सकते हैं ये जो पानी जो भरा रखा है ये नरवा है, इसी में से ही मच्छी पकड़ लेंगे। जल्दी जल्दी ठोक दो, कट कट कट। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना ठोकने में, दिन भर से ठोक रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों। और तुम लोगों को भी ठुकवाना हो अगर, तार बार ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो आ जाइए ठुकवा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ठोकने में। तो चलो ये वाला तो देख सकते हैं ठुक गया, ये छोटू तो नहीं ना, छूट तो नहीं गो। चलो गाइस आगे चलते हैं। अब गाइस देख सकते हैं तार मार बन गया, पानी भी हो गया खेत में, मतलब सारे काम क्लियर हो चुके हैं और शाम भी हो चुकी है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है, अंधेरा सा लगने लग गया। देख सकते हैं सूरज भगवान पूरे डूब चुके हैं। इधर देख सकते हैं दाऊ ने एक काट लिए थे बिजना, मतलब ये खजूर काट लिए थे बारा बनाने के लिए, गाँव में जो झाड़ू जिसको बोलते हैं उसको झाड़ू लगाते हैं तो इसी का बनता है। देख सकते हैं ये खजूर है। तो चलो गाइस अभी देख सकते हैं सारा काम तो हो ही गया, इधर दाऊ रख रहा है पूरा सामान वामान भी, और मतलब जो हमारा सामान था सारा बटोरेंगे चलेंगे अब घर की तरफ। और मच्छी लेने भी जानी है तो थोड़ा टाइम बच गया, अगर जा रहे हैं अगर मिलेगी तो लाएंगे और नहीं मिलेगी तो नहीं लाएंगे। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है, अब यही ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म कर देंगे, मिलेंगे अब एक न्यू ब्लॉग में। तो राम राम। चलो देख सकते हैं दाऊ का भी सारा काम हो गया, तो भाई हमारी तरफ से राम राम, अब मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में।